हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा लंदन के तीन रहनुमाओं अनवर हुसैन, इफ्तखार हुसैन और काशिफ कामरान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की तैयारियां। वजारत दाखला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। लंदन के बाद सऊदी अरब पाकिस्तानी सियासत का मरकज। शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ ने भी रवानगी की तैयारियां पकड़ ली। साद रफीक चले गए, आसिफ करमानी पहले से ही मौजूद। एनआरओ हुआ तो सड़कों पर होंगे, अपोजिशन का ऐलान। जिन्होंने इतनी खुलकर जमहूरी नॉर्म्स की और जमहूरियत के तसलसल की हमायत की है, इसकी ताईद सिर्फ हम नहीं करते, उन्हें भी करनी चाहिए जिन पर उनका हुक्म लाजम है। It doesn't appear to be unintended and the statement is very irresponsible and unwarranted because you are targeting the chain of command and the subordination system of Pakistan army. Agar aisi line chhedenge to bahut sare irtash paida honge. Saad Rafiq ka bayan gair aaini qarar, Pak fauj ka izhar e tashwish, Nawaz Sharif muqaddamat ke piche saazish ka ishara de rahe hain. सहाफी का सवाल, रद्दे अमल नहीं देना चाहते, अवाम खुद फैसला करें। आर्मी इसका कोई किसी किस्म का रिस्पांस जो है इस तरीके से नहीं देना चाहती। इट इज द डिमांड के अवाम खुद डिसाइड करें कैसे है, और अगर कोई साजिश है तो दे शुड कम अप विद एविडेंस के क्या साजिश है। लाहौर में की गई तकरीर जिम्मेदाराना थी, गैर आईनी रवैया नहीं अपनाया, गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। साद रफीक ने मलबा मीडिया पर डाल दिया। कराची में दहशत फैलाने का मंसूबा नाकाम। एमकेएम लंदन की यूनिट ऑफिस पर छापा, जेरे जमीन छुपाया गया असलहा बरामद। डीजी रेंजर्स की कामयाब कार्रवाई पर अहलकारों को मुबारकबाद। पंजाब के कई शहरों में धुंध, रास्ते खोए तो मोटरवे कई मकामात पर बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शुमाली अमरीका और यूरोप मुंजमद, बर्फबारी से रास्ते बंद। रियासत मिनिसोटा में सर्दी का 93 साल रिकॉर्ड टूट गया। कनाडा के कई शहरों में पारा -30 तक गिर गया। भारतीय शहर मुंबई के तजारती मरकज में हौलनाक आग, देखते ही देखते ही इमारत के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। न्यूज चैनल्स के दफातर को भी नुकसान, कई घंटे बाद काबू पाया गया। खवातीन समेत 15 अफराद हलाक, मुतासिर जख्मी। न्यूयॉर्क में भी 5 मंजिला इमारत शोलों की लपेट में, काबू पाने की कोशिशें, 12 अफराद जान से गए। शाहीनों की न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग, दोनों टीम्स 6 जनवरी को पहले वनडे में इन एक्शन होंगी। जारी करने की मंजूरी दे दी है। एमक्यूएम लंदन के तीन अहम रहनुमा अनवर हुसैन, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ खान कामरान के रेड वारंट जारी होंगे। एफआईए की दरखास्त पर वजारत दाखला ने रेड वारंट के इजरा की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद
FIA की फ्रांस में इंटरपोल हेडक्वार्टर से राबते की तैयारियां भी जारी हैं। रेड वारंट जारी होते ही इन तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा, जहां पर वो मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इमरान फारूक कत्ल केस में ये तीनों मुलजिमान, जिनकी तफ्तीश इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में केस चल रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उनके रेड वारंट जारी किए जाएंगे। रेड वारंट जारी किए जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। वजारत दाखिला ने तीनों इन अहम मुलजिमान, जिनके नाम ये हैं अनवर हुसैन, इफ्तखार हुसैन और काशिफ खान कामरान, इनकी मंजूरी दे दी है। इनका ताल्लुक एमकेएम लंदन से है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लंदन के बाद अब सऊदी अरब पाकिस्तानी सियासत का मरकज है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी रवानगी की तैयारियां पकड़ चुके हैं। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक पहले ही जा चुके हैं, जबकि आसिफ किरमानी भी वहाँ पहले से मौजूद हैं। ऐसे में इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अपोजिशन जमातों की जानिब से एक बात कही जा रही है कि अगर सियासत का मरकज सऊदी अरब की तरफ जा रहा है और ये तमाम हम लोग सऊदीया की तरफ जाकर किसी एनआरओ की तरफ बढ़ रहे हैं, इस मामले पर हम सड़कों पर होंगे। लंदन के बाद सऊदीया पाकिस्तानी सियासत का मरकज, शहबाज की परवाज के बाद नवाज शरीफ भी उड़ान भरने को तैयार। 48 घंटे में रियाज रवानगी का इम्कान और सऊदी हुकाम से अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। साद रफीक बरादर इस्लामी मुल्क चले गए, जबकि आसिफ करमानी पहले ही वहां मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब ने दो रोज पहले अपने खसूसी तैयारे में रियाज बुलाया था, जहां उनकी तुर्क वजीर आजम से मुलाकात भी हुई। सऊदी अरब पहुंचने पर साबिक वजीर आजम की भी तुर्क वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान है। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल कहते हैं, नवाज शरीफ को इस बार कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई रहनुमा इजाज चौधरी ने एनआरओ की सूरत में एहतजाज की धमकी दे दी। नवाज शरीफ भी जा रहे हैं एक नया एनआरओ बनाने के लिए, एक एनआरओ नया मांगने के लिए, और ये एनआरओ वहीं से आएगा जहाँ जिसकी तरफ मेरा इशारा है, जो सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये एनआरओ की कोशिश की जा रही है। मैं सऊदी बादशाहों को एक आम पाकिस्तानी और एक सियासी कारकुन की हैसियत से कहता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत न करें। हम इस दफ़ा कोई एनआरओ नहीं होने देंगे, हम होंगे और सड़कें होंगी और अपनी जान के ऊपर खेल के इस दफ़ा कोई एनआरओ हम नहीं होने देंगे। अगरचे नून लीग अपने कायदीन के अहम दौरे को मामूल का दौरा करार दे रही है, लेकिन अपोजिशन को सियासी खिचड़ी पकने का पूरा यकीन है। उधर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ख्वाजा साद रफीक के फौज से मुतल्लिक बयान को गैर जिम्मेदाराना और गैर आइनी करार दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाक फौज नज्म व जब्त की पाबंद है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से अपने खिलाफ केसेस को साजिश कहने और फौज को मुलविस करार देने की कोशिश के सवाल पर DGISPR का कहना था कि फौज इस पर रद्द अमल नहीं देना चाहती, आवाम खुद फैसला कर लें। ख्वाजा साद रफीक ने ये बात कही पार्लियामेंट सेनेट कमेटी में आर्मी चीफ के जाने के बाद कि उन्होंने जमहूरियत के हवाले से बड़ा मुस्बत पैगाम दिया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह गए कि उनको ये भी करना चाहिए कि जो आर्मी चीफ का हुक्म मानने वाले हैं वो भी इसको देखे, और इसको उनका इशारा किसकी तरफ था, आर्मी चीफ का हुक्म कौन नहीं मान। ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट से मुतल्लिक वो जो स्टेटमेंट है वो इट डजंट अपीयर टू बी अनइंटेंडेड एंड द स्टेटमेंट इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल and unwarranted because you are targeting the chain of command and the subordination system of Pakistan army. Pakistan army jo hai wo ek bahut disciplined aur organized institution, jo army chief hai uske ek ishare pe uske ek hukm pe jo sari fauj hai wo us taraf dekhna shuru ho jati hai jahan wo chahte hain. To we take this statement with concern, aisa nahi hona chahiye tha. Aur isme ye bhi dekhen ki kuch idare aise hain jinko constitution भी प्रोटेक्ट करता है, आप एक ऐसी स्टेटमेंट दें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन में आती है। इफ आर्मी इज डिटरमिंड एंड कॉन्फिडेंट टू स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड एवरी पर्सन कि वो आइन और कानून के एहतराम करें, उसके दायरे में रहें। अगर ऐसी लाइन छेड़ेंगे तो बहुत सारे इर्तआश पैदा होंगे।
سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مسلسل اپنے خلاف چلنے والے مقدمات اور اپنی نااہلی کے پیچھے ایک سازش کا اشارہ دے رہے ہیں اور اس سازش میں وہ پاک فوج کو بھی سازش ہی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ان الزامات کا جواب دیں گے یا آپ بالکل خاموشی رکھیں گے اور ضبط قائم رکھیں گے ضبط نہیں توڑیں گے دو اٹس اے پولیٹیکل کوسچن اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ہیو سائلنس آن دس وی آر ویری ویل اویئر آف دی تھریٹس اینڈ چیلنجز دیٹ وی آر فیسنگ فار دی لاسٹ 17 ایئرس And whatever we have achieved, we do not want to get distracted and we want to continue to take Pakistan towards enduring peace and stability. Political jo hai activity wo mulk mein chal rahi hai, unki apni domain hai, to army iska koi kisi kisam ka response jo hai, is tarike se nahi dena chahti. It is the domain ke awam khud decide karein kaise hai aur agar koi saazish hai, تو دے شوڈ کم اپ ود ایویڈنس کہ کیا سازش تھی رینجرز کی طرف سے کچھ لوگوں میں پیسے بانٹے گئے تھے اس کو بڑا مینیپولیٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر خاص طور پر اگر آپ نے وہ پڑھا بھی ہے جس جہاں پہ جنرل آرمی کے جنرل نے سائن کیے ہیں تو اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ گارنٹی دی گئی ہے اور میں نے کروایا ہے لکھا ہے باوساطت رات کو پرائم منسٹر نے بھی اس پہ کلیریفیکیشن دی کہ مل کے بیٹھے تھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کا تو اس حل کرنے کے لیے آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ایک انسٹرومنٹ ہے اور آرمی چیف بھی وہاں بیٹھے تھے اور ایک رسپانسیبل ٹو سٹار کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس کو حل کرائیں تو وہ باوساطت تو وہی ہے لیکن اگر اس کو یہ کہنا کہ جی گارنٹی دے دی تو ایسا نہیں ہے جنرل آفیسر از اے ویری رسپانسیبل اینڈ ڈیوٹیفل آفیسر تو انہوں نے اس کو حل کرانے کے لیے لیکن اگر لکھ بھی دیا تھا اور ہائنڈ سائٹ میں تو عقل مندی آ جاتی ہے تو سائن تو دونوں پارٹیز نے خود کیا ہے تو گارنٹرز تو پارٹیاں خود ہیں جہاں تک پیسوں کی بھی آپ نے بات کی تو اگر جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں تو ڈو یو تھنک کہ دھرنے میں آنے والا از ورتھ 1000 روپی اینڈ وی آر سو نائیو کہ ہم اوپنلی اس کو اس طریقے سے تو وہ بھی ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آن اسپاٹ ججمنٹ تھی انہوں نے اس کو کرائے کے لیے اگر 6-7 لوگوں کو دے دیے پیسے تو اس کو یہ کہنا کہ جی وہ